ये जो पूरे ब्राह्मणवादी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, जिनका कब्जा इस देश के संस्थानों पे है, इनको लगता है कि इनके तर्क हमारे सामने नहीं टिक पाएंगे, हम इनके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे, तब ये ऐसी ऐसी पॉलिसी लेके आते हैं। जो लोग शोषण करने वाले हैं, जो लोग अन्याय अत्याचार करने वाले हैं, वो सत्ता की कुर्सी पे बैठ के मजे कर रहे हैं। जब मुसलमानों को मारने की बात आती है, तब यही लोगों को आरएसएस कच्चे माल की तरह यूज करता है। मुसलमानों को मारते समय यही ओबीसी एसटी के लोग आगे रहते हैं। आप देखो बीजेपी के नेता के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। बीजेपी के नेता के बच्चे भाई विदेशों में अच्छी डिग्रियां ले रहे हैं, लेकिन आपके बच्चों को कहा जाएगा कि भाई आप राम मंदिर के उद्घाटन में जाओ। जो भी गरीब लोग है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसके लिए भी ये सरकार खतरा है। नमस्कार, मैं नूर झा और आप देख रहे हैं जनित आवाज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ITO पर। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि युवा यहाँ पे मौजूद हैं, हाथ में पोस्टर लेके यहाँ पे खड़े हुए हैं कि जो 27 तारीख को एक नया ड्राफ्ट जारी किया गया है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि जितने भी SC ST जो आरक्षण है, SC ST OBC का जो आरक्षण है, वो जनरल वालों को दे दिया जाएगा अगर SC ST वाले कैपेबल नहीं हुए तो। इस तरीके की ये न्यूज़ बताई जा रही है, लेकिन अभी ड्राफ्ट है, अभी पूरा चीज़ें बताई नहीं गई हैं कि कंफर्म नहीं हुआ है, तो उसी को लेकर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और नारे लगाए जा रहे हैं। सशक्त और यूनाइटेड स्टूडेंट मूवमेंट जो फैकल्टी के साथ मिलके आज स्टूडेंट टीचर यूनिटी, यूनिवर्सिटी के जितने स्टेक होल्डर हैं, उनका एक यूनाइटेड स्ट्रगल ही इस तरीके के अधिनियम को वापस करा सकता है। तो ये करने की ज़रूरत है और वो करने का ही काम हमें आने वाले दिनों में करते रहना पड़ेगा। साथी शांभवी का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा साथी बोल रहे थे कि मेरिट का ढकोसला दे करके डी रिजर्वेशन लाने वाले लोग इतना भी क्रिएटिविटी नहीं लगाते हैं कि डी रिजर्वेशन को एक बेहतर नाम से पेश करें हम सबके सामने। दोस्तों, आज जिस सवाल को लेके हम लोग UGC पे आए हैं, आज अभी कुछ दिन पहले UGC ने एक नोटिफिकेशन दिया, जिस नोटिफिकेशन में डी रिजर्वेशन की बात की गई है। डी रिजर्वेशन की जो बात है, उसको अगर एक लाइन में हम समझाने का प्रयास करें, तो डी रिजर्वेशन वही है कि जिन ओबीसी SC ST और PH कोटे के पदों पे NFS लगा दिया जा रहा है, उन पदों को अब सीधे सीधे UR कैटेगरी द्वारा भर दिया जाएगा। ये बेसिकली पूरा मामला है। दोस्तों, हम देखते हैं कि इस देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में 2007 के बाद से OBC आरक्षण लागू होता है। OBC आरक्षण ऐसे 1991-92 में आ गया था मंडल कमीशन के बाद से। दोस्तों, ये जो पूरे ब्राह्मणवादी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, जिनका कब्जा इस देश के संस्थानों पे है, जब इन लोगों से बहुजन तबके और बहुजन आइडियोलॉजी, भगत सिंह विचारधारा वाले लोगों का जब एक बहस होता है, प्रतिरोध होता है, जब इनको लगता है कि इनके तर्क हमारे सामने नहीं टिक पाएंगे, हम इनके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे, तब ये ऐसी ऐसी पॉलिसी लेके आते हैं। दोस्तों, हम इन्हीं के महाकाव्यों में पढ़ते हैं, इन्हीं के हम ग्रंथों में पढ़ते हैं कि एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया था। एकलव्य चूंकि अर्जुन से तेज तीर मारता था, एकलव्य चूंकि अर्जुन से आगे जा रहा था, इसलिए उसका अंगूठा काट लिया गया और उसे दबाने का प्रयास किया गया। दोस्तों, ये परंपरा आज तक चलती आ रही है। अभी आप देखिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर थे जाकिर हुसैन कॉलेज में, लक्ष्मण यादव, आखिर उनको क्यों निकाला गया? उनका सिर्फ यही गुनाह था कि वो अपने क्लास में, क्लास के बाहर, विश्वविद्यालय में क्रिटिकल थिंकिंग को प्रोत्साहित कर रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे। या जो संघी मनुवादी लोग हैं, इनके हाँ में हाँ ना मिला के, बल्कि इनके आँख में आँख मिला के इनसे सवाल करने का काम कर रहे थे। अभी एक प्रोफेसर और हैं दौलतराम कॉलेज की, डॉक्टर रितु का धरना 145 दिन से ज़्यादा हो गया है। मामला क्या है? मामला यह है कि जो उनके कॉलेज की प्रिंसिपल है सविता रॉय, उन पे SC ST एट्रोसिटी एक्ट की चार्जशीट फाइल हो गई है। आप समझिए, चार्जशीट फाइल होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। जो लोग शोषण करने वाले हैं, जो लोग अन्याय अत्याचार करने वाले हैं, वो सत्ता की कुर्सी पे बैठ के मजे कर रहे हैं, और जो लोग लड़ने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं,
जो वास्तव में इस देश को लोकतांत्रिक बनाना चाहते हैं, जो वास्तव में एक वैज्ञानिक साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ धर्मनिरपेक्ष एक देश को चलाना चाहते हैं, जहाँ पे हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग रह सके, बातें कर सके, उन लोगों के खिलाफ लगातार यह मनुवादी लोग एक माहौल बना रहे हैं और जहाँ से भी हो सकता है, जैसे भी हो सकता है, इनको भगाने का, वो संस्थानों से भगाने का काम कर रहे हैं जो लोग भी इनसे सवाल कर रहे हैं। दोस्तों, दूसरा जो सवाल हमारे अपने लोगों से खुद है कि जो हमारे समाज के SC ST OBC तबके के लोग हैं, जब यही सांप्रदायिकता की बात आती है, जब मुसलमानों को मारने की बात आती है, तब यही लोगों को RSS कच्चे माल की तरह यूज करता है। मुसलमानों को मारते समय यही OBC SC ST के लोग आगे रहते हैं। आप देखो BJP के नेता के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। BJP के नेता के बच्चे भाई विदेशों में अच्छी डिग्रियां ले रहे हैं, लेकिन आपके बच्चों को कहा जाएगा कि भाई आप राम मंदिर के उद्घाटन में जाओ, आप कांवर यात्रा में जाओ, आप अपने घर के बगल या अपने गांव के बगल में जो एक माइनॉरिटी समुदाय है उसके प्रति आप नफरत फैलाओ, उसके प्रति आप दंगा करो। तो दोस्तों, हमें यह समझने की जरूरत है कि जो RSS और BJP का पूरा ये चाल है कि एक तरफ संस्थानों में, एक तरफ पूरे देश के जितने भी संस्थान है उसका भगवाकरण, मनुवादीकरण करना है, और दूसरी तरफ किस तरीके से निजीकरण करना है, क्योंकि भाई ये लगातार निजीकरण भी कर रहे हैं। हर कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का फीस भी बढ़ रहा है, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का फीस कई गुना बढ़ाया गया, दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों की फीस डबल हो गई। भाई ये करना क्या चाहते हैं, बेसिकली ये करना ये चाहते हैं कि भाई एक तरफ फीसें बढ़ाओ ताकि जो इस देश का कमजोर तबके का बच्चा है, जो इस देश का लोअर क्लास का बच्चा है, वो बच्चा विश्वविद्यालय में पढ़ने ना आ पाए, और दूसरा बात कि जो लोग अगर हैं संस्थानों में तो भाई उनके साथ ऐसा व्यवहार कर दो कि वो संस्थानों से बाहर चले जाएं, उनको किसी भी तरीके से उठा के बाहर कर दो। अब भाई गेस्ट यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय के हम लोग स्टूडेंट हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, देखिए अभी किस तरीके से यहाँ पे पदों में को भरा जा रहा है, और मनुवादी लोग, संघी लोग, जो हाफ चड्डीधारी लोग हैं, जो वही आर्ट फैकल्टी के सामने शाखा लगाते हैं, उनकी कोई डिग्री नहीं है। सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में आप देखिए 3-4-5 कॉलेजों में तो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट है, अब कैसे लोगों को भरा जा रहा है, जो 4 नंबर गेट पे गुंडाई करते हैं, जो 4 नंबर गेट पे छेड़खानियां करते हैं, ये ABVP RSS के लोग, इन लोगों को भाई परमानेंट किया जा रहा है। लक्ष्मण यादव और तमाम सारे जो लोग हैं, जो साइंटिफिक सोच, वैज्ञानिक सोच के लोग हैं, उनको यूनिवर्सिटी से निकाल के बाहर फेंका जा रहा है। तो दोस्तों, हमें इनकी पूरी साजिश को समझना होगा, हमें अपने लोगों को, जो भी हमारे समाज के लोग हैं और जो भी गरीब लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसके लिए भी ये सरकार खतरा है। हमें सारे लोगों को यूनाइट करके एक होना है, और जो ये मनुवादी BJP सरकार का सांप्रदायिक एजेंडा है, जो आरक्षण के खिलाफ इनका जो एक मुहिम है, इस आरक्षण के खिलाफ मुहिम में हम इनको मात दें। दोस्तों, यह हमारे एकलव्य का अंगूठा काटे, लेकिन क्या आज ऐसा दौर है, इतना लोग जागरूक है। भाई आप देखिए कि जब SC ST एट्रोसिटी एक्ट हटा था सुप्रीम कोर्ट का, जो मनुवादी जज लोग थे उनके द्वारा, तो 2018 में देश का पूरा बहुजन तबका रोडों पे था, इनको आखिर में वापस लेना पड़ा। दूसरी लड़ाई 13 पॉइंट रोस्टर की लड़ी गई थी, 13 पॉइंट रोस्टर में भी वही साजिश किया गया था कि भाई OBC SC ST तबके के लोग बाहर चले जाएं। अभी ये तीसरी साजिश की गई है, ये तीसरी साजिश डी रिजर्वेशन का है। इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए हमको यूनाइट होना पड़ेगा, और जो हम सदियों से, जो हम दबे कुचले लोग हैं, सारे लोगों ने जो एक बढ़िया तरीके से लड़ाई लड़ा है, चाहे वो SC ST एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ, चाहे वो 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ, हमारी ये अगली चैलेंज है, हमारा ये अगला चैलेंज है कि हमें अपने नौजवानों को, हमें अपने छात्रों को इनके धार्मिक एजेंडे से बाहर निकाल के, इनका जो मनुवादी और फासिस्ट एजेंडा है
उसको बर्खास्त करने के लिए हमें उनको यूनाइट होना पड़ेगा, हमें उनको लाना पड़ेगा। तो जाहिर तौर पर यहाँ पे देखा जा सकता है कि सीधा सवाल जो उठ रहा है, सीधा सवाल जो उठाया जा रहे हैं वो मोदी सरकार पे, आरएसएस और एबीवीपी के लोगों पे उठाया जा रहा है कि कैसे जो ये मनुवादी लोग हैं, जो एससी एसटी तबके के लोग होते हैं, उनको निकाल के आरएसएस और एबीवीपी के लोगों को भरते हैं ताकि उनका एजेंडा आगे चला जाए। जिस तरीके से यहाँ पे घेराव करें, इनको रोका तक जा रहा है, लेकिन जो भी ड्राफ्ट है उसको भी कन्फर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन उसके बाद भी ये जो चीज़ें हैं कह रहे हैं कि बढ़ सकती है, क्योंकि तभी ये लोग यहाँ पे आके जो प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे दिखेंगे आपको साफ तौर पर। कहा जा रहा है जो एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है उसके तहत भी काफ़ी चीज़ें खराब हुई हैं। ऐसा लग रहा है ये लोग एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ जा रहे हैं। सत्ता में बैठी सरकार है जो मनुवादी विचारधारा से चलने वाली सरकार है, जो एक सांप्रदायिक एजेंडे के उस पर चलती है, उसी को लेकर यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सीधा सवाल कर रहे हैं मोदी सरकार से कि ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसा क्यों करा जाता है और एससी एसटी के खिलाफ क्यों होती है वो हर बार। तो ऐसी आगे की जानकारी हम आपको देते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ।